नमस्कार। कल 25 अगस्त था और कल शाम को मेरे पास एक पेशेंट आए। मुंबई के विले पार्ले में रहते थे, मिसेस राखी ऐसे उनका नाम था। उनकी एक चीज़ बोलनी थी। पहली बात, मैं उनको क्या क्या बीमारियाँ थी मैं वो बोलता हूँ, उससे आप ये वीडियो रिलेट कर पाएंगे। तो उनकी तकलीफ़ें थी, उन्होंने दोनों नी का एक्सरे कराया था, तो उसमें माइल्ड चेंजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इन बोथ जॉइंट्स ऐसे करके आया था। ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होने लग गए थे। और क्या क्या तकलीफ थी उनकी, तो उनको दोनों जोड़ों में दर्द होता था, पूरे दिन दिन भर दर्द होते रहता था। घुटने में, शोल्डर में, सर्वाइकल, ये सारी जगहों पे उनको दर्द होता था। 4 साल से ये दर्द था। फ्रोजन शोल्डर था 2023 से, और फिजियोथेरेपी कराई थी, कुछ ट्रीटमेंट लिया था। उनकी एक कंप्लेंट ये भी थी कि वेट गेन उनका हो गया था 10 किलो से ज़्यादा, और वो वेट कम नहीं हो रहा था। उनका कहना था कि उन्होंने बहुत कुछ किया बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और उनका एक और डाउट था कि उन्हें नींद नहीं आती थी अच्छे से, ओवर थिंकिंग थी, बाल झड़ता था, यूरिन उनको कंट्रोल नहीं होता था प्रेगनेंसी के बाद से, मोशंस कभी हार्ड हो जाता था बकरी के मल की तरह, कभी एकदम कड़क हो जाता था, इस टाइप का था। और उनको साइनस की तकलीफ थी, तो बार बार वो जल नहीं थी, उसके लिए उन्हें करना पड़ता था। जब जब मौसम का चेंज होता था तब तब उनको साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी। पास्ट हिस्ट्री में मिसकैरेज, डेंगू, खून की कमी, हीमोग्लोबिन 9.5 रहना, ऐसी सारी तकलीफें थी। इन पेशेंट को हमने दवा दी 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद दवा लेने के बाद उनके दर्द में उनको 40% आराम हो गया, नींद में 20-25% आराम था, सारी चीज़ें होने लग गई। पर उन्होंने आने के बाद एक चीज़ बोली। वो क्या बोली कि आप दवा दे दो बट मैं डाइट फॉलो नहीं करूँगी। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते होंगे या आयुर्वेद इलाज कराना चाहते होंगे, पर एक कंडीशन ये होती है कि हम डाइट फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या फिर आपको आयुर्वेदिक इलाज उसमें कराना फायदेमंद है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण मिश्रा। मैं एक आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर हूँ और मुंबई के दादर में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 18 साल से मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, और मुंबई में मैं पंचकर्म के चिकित्सा के थ्रू, औषधि के थ्रू बीमारियाँ ठीक करने का प्रयत्न करता। आज हम बात कर रहे हैं डाइट के ऊपर। डाइट की हम जब भी बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे गोली दे दो, ये कौन ये सब पालन करेगा, काढ़ा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। और ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो कि डाइट फॉलो नहीं करना चाहते। बट सबसे पहली चीज़ आप आयुर्वेद की ये समझ के लीजिए कि अगर आप आयुर्वेद चिकित्सा कराना चाहते हैं, आप ठीक होना चाहते हैं, सपोज़ कि आपको स्किन की एक बीमारी है, आपको सोराइसिस हो गया है, और उस सोराइसिस या फिर आपको ईचिंग, खुजली भयंकर होती है, और आप खुजली से परेशान हैं कि कहीं भी आप मतलब कुछ भी मिल गया तो खुजली चालू हो जाती है, या बहुत भयंकर डैंड्रफ होता है आप, ठीक, ऐसी कोई भी तकलीफ, या आपको एसिडिटी की ही तकलीफ होती है, ऐसे में जब आप आयुर्वेदिक कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर आपकी बीमारी का प्रॉपर डायग्नोसिस करे आयुर्वेद के हिसाब से। सोराइसिस तो आपको पता चल गया, बट आयुर्वेद का क्या ये है, और उस हिसाब से आपको खान पान, औषधि और लाइफस्टाइल के चेंजेस बोले। अगर केवल वो डॉक्टर आपको गोली देकर छोड़ दे रहा है तो वो फिर प्रॉपर आयुर्वेदिक इलाज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी बीमारी का इलाज किया जाता है उसमें दवा एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। पर केवल दवा खा लेना, केवल गोली खा लेना, केवल तेल लगा लेना, वही आयुर्वेद है, ये एक सोच गलत है। सेकंड, अगर आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे, पथ्य पालन नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी रिजल्ट या तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो अगर सपोज 100 out of 100 आपको रिजल्ट मिल सकता है तो वो 40-50% ऐसा ही मिलेगा। आप बोलेंगे क्यों? समझिए कि कोई एक स्किन का पेशेंट है, किसी को स्किन की बीमारी हो रही है, और उसको डाइट में दही, उड़द, तिल, बार बार खाना, दिन में सोना, ऐसी चीज़ें उनको मना करके रखी। अब सवाल आएगा, ये सारी चीज़ें क्यों मना करके रखी हैं? क्योंकि ये सभी की सभी चीज़ें रक्त धातु को खराब करने का काम करती हैं। और अगर कोई स्किन का पेशेंट है और डायबिटीज़ का पेशेंट है, और वो मीठा खाते रहे, दिन में सोता रहे, व्यायाम न करे, और खाने में उड़द ऐसे आइटम, दही जैसे आइटम रोज ले, रात में दूध लेता रहे, इससे क्या होगा, उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा मात्रा में क्लेद, गीलापन बढ़ते जाएगा। तो उससे होगा ये कि आप औषधि, आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवा किस चीज़ की ले ली कि भाई मेरी ये जो स्किन की तकलीफ है या डायबिटीज, सोराइसिस, जो कुछ भी है वो तकलीफ ठीक हो जाए, तो उसके लिए आप दवा खा रहे हो, आपने दवा खाई, ये दवा क्या करेगी, आपके रक्त धातु को साफ करेगी, लीवर पे जाएगी, रक्त धातु को साफ करेगी, जिससे कि ये स्किन की जो बीमारी है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। बट जैसे ही आपने एक तरफ दवा खाया और दूसरा कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपने खाया जो कि ब्लड को खराब करता है, तो क्या होगा, एक एग्जाम्पल कि आपने नीम खा लिया,
नीम खाया कि भाई मैं नीम खाऊंगा, मुझे जो खुजली होती है, स्किन की तकलीफ है, वो कम हो जाएगी। और नीम की टैबलेट खाने के बाद फिर आपने क्या किया कि दही ले लिया और दही में अच्छा खासा गुड़ मिला के मस्त मिक्स किया, खाए और दिन में सो गए। तो क्या आपको क्या लगता है, ये जो नीम आपने खाया था वो सच में आपके ब्लड को साफ कर पाएगा, आपके स्किन को ठीक कर पाएगा? आप क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ तो दवा खा ली और दूसरी तरफ बीमारी बढ़ाने वाली चीज़ खा ली, राइट? सेम एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि सपोज आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपको मोटापा हुआ है, आप कोई जिम गए, ठीक है, किसी ट्रेनर के अंदर या कोई योग क्लास चले गए और उसके अंदर में आपने अच्छा खासा 45 मिनट से लेकर 90 मिनट तक, एक डेढ़ घंटा आपने व्यायाम किया, मस्त पसीना वसीना बहाया कि हाँ भाई आज बहुत बहुत व्यायाम किया आज, ठीक। जैसे ही आप उस जिम या योगा क्लास या जो भी एक्सरसाइज आपने की है, रनिंग की है, वॉकिंग की है, बाहर आए और आपने क्या किया, फ्रूट जूस का एक मस्त बड़ा सा ग्लास उठाया और फ्रूट जूस पीने के साथ साथ सामने वड़ा पाव या समोसा दिख गया, वो निपटा दिया, थोड़ा सा मिर्ची भजी वजी जैसे आइटम उड़द वड़ा खा लिया, या कुछ नहीं तो थोड़ा सा एक पिज्ज़ा का एक बाइट लेने का मन हुआ, ये कर लिया, तो क्या लगता है आपको, आपका वजन बढ़ेगा घटेगा? आपने तो मेहनत की है 45 मिनट 90 मिनट तक, फिर भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने वो जो कुछ भी एनर्जीज बर्न या कैलोरीज बर्न की थी वो आपने तुरंत लेकर बॉडी में डाल ली, ठीक। तो ऐसे ही अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको व्यायाम के साथ साथ डाइट लगेगा। सेम वैसे ही जब आपको आयुर्वेद से कोई बीमारी ठीक करनी है, वो चाहे जॉइंट्स पेन हो, हेयर की कोई तकलीफ हो, अंदर का डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जो कुछ भी हो, मोटापा हो, या जैसे इन्हें जॉइंट्स की तकलीफ थी, इन्हें 40% आराम भी हुआ था, बट इनकी क्या कंडीशन थी कि मैं डाइट फॉलो नहीं करूँगी। तो अगर आपको भी जॉइंट्स की तकलीफ है, कोई बीमारी है, और ऐसे में अगर आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो बेटर होगा आप आयुर्वेदिक इलाज न कराएं, क्योंकि आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य इनका बहुत बड़ा रोल बोला गया है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का इलाज करने के जो स्टेप्स हैं, अब आयुर्वेद में कोई भी बीमारी ऐसे नहीं है कि फैटी लीवर आरोग्यवर्धिनी खा लेना, त्रिफला खा लेना, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो फैटी लीवर या कोई भी बीमारी वो हुई क्यों है, तो जिन जिन कारणों से वो बीमारी हुई है, सपोज कि किसी को दूध पीने के कारण या बहुत ज़्यादा तेल, चिकना आइटम, ये सब खाने के कारण फैटी लीवर हुआ है, तो आयुर्वेद में क्या सबसे पहला स्टेप क्या होगा, निदान परिवर्जनम, मतलब जिस कारण से बीमारी हुई है उस कारण को बंद करो, सबसे पहला स्टेप ये होगा। इसके बाद डिसाइड होगा कि भाई पंचकर्म करना है या दवा देना है, व्यायाम करना है, क्या करना है, बट पहला स्टेप होगा निदान परिवर्जनम। अगर वो कारण ही नहीं बंद किए जिस कारण से बीमारी हो रही थी, तो आयुर्वेद की दवा का, आयुर्वेद के पंचकर्म का या कोई भी ट्रीटमेंट का बिल्कुल मतलब नहीं निकलता, वो केवल आपका पैसा, टाइम और एफर्ट बर्बाद करेगा, ठीक। ये बात समझ में आने के बाद अब आयुर्वेद के 3 सूत्र आपको याद रखने चाहिए, अगर आपका ऐसा बोलना है कि बिना डाइट के हमें ठीक करके दिखाओ। नंबर 1, सुश्रुत निदान स्थान, जब आप पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता जो होती है, महर्षि सुश्रुत ने जो लिखी है, उसके निदान स्थान में उन्होंने स्किन की बीमारियों के बहुत सारे कारण बोले हैं कि भाई ये जो चर्म रोग होता है, चाहे आपको पिंपल्स होते हो, चाहे फिर आपको सोरायसिस हो, ईचिंग हो, एक्जिमा हो, किसी भी टाइप की आपको स्किन की तकलीफ हो, तो वो बहुत सारे कारण बताने के बाद लास्ट में 2 शब्द लिखते हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला है, कुष्ठम आत्मवतम साध्यम। कुष्ठ मतलब स्किन की जो बीमारी है किसकी ठीक होती है, आत्मवतम, जिसको अपने आप पे कंट्रोल है, जिसको अपने डाइट पे, अपने लाइफस्टाइल पे जिसको कंट्रोल है कि हाँ भाई मैं ज्यादा खाने के ऊपर नमक वमक डाल के खाता था, या चाय चपाती जैसी चीजें मुझे खाने की आदत थी और उसके कारण मुझे पिंपल्स आ रहे हैं या फोड़ी फुंसी ईचिंग हो रही है, तो ये बंद करना, केवल उन्हीं का स्किन डिसऑर्डर ठीक होता है। फिर ऐसे ही जब आप अष्टांग हृदय नाम का आयुर्वेद में जो ग्रंथ है वो पढ़ेंगे, तो उसके पहले ही अध्याय पे उन्होंने 12 कंडीशन बोली है जिसको अचिकित्सीय बोला है, मतलब ऐसे लोगों का इलाज बिल्कुल मत करो, और उसमें से एक कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति डाइट लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करता या वैद्य की बात नहीं करता। और लास्ट जाते जाते एक श्लोक होगा, तो आप लिख लीजिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और लिख के इसे याद कर ली, वो श्लोक वैद्य जीवन में आया है, श्लोक कुछ ऐसा है, पथ्ये सति गदा तस्य किम औषधम निशे बढ़े, पथ्ये असति गदा तस्य किम औषधम निशे बढ़े। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति पथ्य का पालन करता है, पथ्य मतलब कि जो आपके लिए सुटेबल है, आपके लाइफ, आपको जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए जो जो डाइट, खान पान, लाइफ स्टाइल चेंजेस, जो जो सुटेबल है, जो व्यक्ति उन चीजों का पालन करता है उसको दवा की क्या जरूरत, राइट। नीचे की लाइन में वो लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपथ्य करता है, मतलब
कोई भी जो सुटेबल है, जैसे आप मोटे आदमी है, डायबिटीज है, तो भाई आपके लिए व्यायाम एक अच्छी चीज है, पर आप वो नहीं करते तो भी आपको दवा की क्या जरूरत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पथ्य पालन करेंगे तो भी दवा की जरूरत नहीं, अपथ्य पालन करेंगे तो भी दवा की जरूरत नहीं। इसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि पथ्य पालन करना आपको ज़्यादा अच्छे से ठीक करने में मदद करेगा, बट आप अपथ्य पालन करते हैं तो आप दुनिया की जो भी गोली है, चूर्ण, चटनी, टैबलेट, पाउडर, इंजेक्शन, लेप, जो करना है कर लीजिए, आपको टेम्परेरी आराम मिल जाएगा। घुटना दर्द हो रहा है, अभी इनको क्या हो रहा था, ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस हो रहे थे, उनको 40% आराम भी हो गया था, घुटना दर्द आराम मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। और विद एज एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे डीजनरेशन इतने ज़्यादा लेवल के हुए रहेंगे कि बाद में उनको सर्जरी के अलावा कुछ ऑप्शंस रहेंगे नहीं। तो कल हमने नॉर्मली फिर क्या किया कि उनको केवल कंसल्टिंग चार्जेस उनसे ली और उन्हें दवा हमने नहीं दिया, और साथ में उनके बेटी भी थे तो उनको भी मोटापा, पाइल्स, ये जो कुछ तकलीफ था, उन्होंने भी बोला हम डाइट फॉलो नहीं करेंगे, तो उन्हें भी केवल कंसल्टिंग चार्जेस लेके हमने छोड़ दिया बिना दवा दी। तो टोटल वीडियो का सार भाग ये है कि आयुर्वेद का इलाज, आयुर्वेद की कोई भी चिकित्सा, चाहे वो औषधि खाना हो या पंचकर्म से शरीर साफ करना हो, अगर आप पथ्य पालन कर सकते हैं, जो आपको डाइट बोली जाएगी, जो लाइफस्टाइल बोली जाएगी, अब डाइट मतलब ये नहीं होगा कि आपको केवल करेले के पत्ते चबाने के लिए बोल देंगे, राइट, ऐसे नहीं होता। जो भी आपकी डाइट होगी कि भाई मूंग की सब्जी खानी है, परवल, करेला, ये सब की सब्जी, जौ, ज्वार, बाजरे की रोटी, या वात पित्त का पेशेंट है तो भाई उसको बोलेंगे आप दूध पियो, खीर खाओ, साबूदाना की खिचड़ी विचड़ी खाओ, ऐसे आइटम। कफ वात का पेशेंट है तो बोलेंगे भाई थोड़े से गर्म सूप पियो, कुल्थ का सूप पियो, थोड़े से मसाले यूज़ करो। तो हर पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से जो डाइट होती है वो डाइट आप फॉलो कर सकते हैं तो ही आयुर्वेद कीजिए, अदरवाइज आयुर्वेद से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आप में से कुछ लोगों को, सबको नहीं तो कुछ लोगों को, आयुर्वेद में क्यों पथ्य इम्पॉर्टेंट है ये समझने में लाभ या फ़ायदा हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।